नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे सेनेसियो ओरस के बारे में, जो कि दोस्तों एक स्क्वायर वीड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रैगवर्ट। इसके समूचे प्लांट से, पौधे से होम्योपैथी में तैयार होता है सेनेसियो ओरस का मदर टिंचर। यह दवा खास करके तीन तरह के सिम्टम्स में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जहाँ पर आपको फीमेल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, यूरिनरी डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन तीनों में इस दवा का बहुत ही अहम रोल है और आप देखेंगे कि खास करके यह महिलाओं के लिए एक बेहद ही खास दवा है, क्योंकि यह मेंस्ट्रुअल फ्लो को नॉर्मल करता है। मासिक क्रिया जो होती है महिलाओं में, उसे यह दुरुस्त करता है। या दोस्तों, एमेनेरिया का जो केसेस होते हैं छोटी युवतियों में, जो नवयुवतियां होती हैं उनमें जो मासिक बंद हो जाते हैं, तो उनमें सेनेसियो ओरस बहुत अच्छा काम करता है और उनके मासिक धर्म को पुनः स्थापित कर देता है। दोस्तों, यह दवा मुख्य रूप से किडनी इन्फ्लेमेशन में और दोस्तों उसके दर्द में बहुत ही लाभकारी है। इट रिलीव्स द पेन इन द किडनी रीजन। किडनी रीजन में पेन अगर हो रहा है तो दोस्तों उसे सेनेसियो ओरस ठीक करता है, क्योंकि यह नेफ्राइटिस की एक बहुत ही खास दवा है। आइए दोस्तों, जानते हैं सेनेसियो ओरस को विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे इसके हेड सिम्टम्स को। आपको हल्का हल्का सरदर्द बना रहता है, यह इसलिए भी होता है क्योंकि जो सेक्रेशंस होते हैं, जब आपको नज़ला जुकाम होता है वो किसी तरह से दब जाते हैं तो आपको सरदर्द हो जाता है। ब्रोनिया के केसेस में भी हम देखते हैं कि ब्रोनिया में यह होता है कि जब आपको नज़ला जुकाम होता है, उस अत्यधिक कफ के कारण आपको सरदर्द बना रहता है। सेनेसियो ओरस में इसके सप्रेशन से, सेक्रेशंस के सप्रेशन से दोस्तों हेडेक होंगे। इसे हम लोग कैटहरल हेडेक कहते हैं। एस्टोमेक केसेस में आप देखेंगे कि सुबह जगने के साथ आपको मिचली आने लगती है। इस तरह का जो लक्षण है, खास करके दुबली पतली महिलाओं में जो सीपिया की रोगिनी होती हैं, उनमें बहुत ही खास ये लक्षण देखने को मिलता है, मिचली आना। उनमें बराबर सुबह जगने के बाद मिचली आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, एब्डोमेन में पेट दर्द होंगे, कोलिक होंगे और उसे दबाने पर आराम होगा कोलोसिंथ की तरह, तो उसमें सेनेसियो ओरस लाभकारी औषधि है। दोस्तों, एब्डोमेन के केसेस में हमने बात कर ली, अब हम किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी में इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन हो जाते हैं तो वहाँ पर यह लाभकारी है। रीनल कोलिक में यह बहुत ही उपयोगी दवा है। वैसे व्यक्तियों में जिनमें रीनल स्टोन है, जिनको किडनी स्टोन है और उनको किडनी में दर्द है बराबर, तो सेनेसियो ओरस देकर उनको लाभ पहुँचाया जा सकता है। दोस्तों, फीमेल के केसेस में, जिसके लिए यह एक प्रोमिनेंट औषधि है, ठंड से मासिक रुक जाना, छोटी नवयुवतियों में आप बात कर लें तो एमेनेरिया का जो केसेस आ जाते हैं नवयुवतियों में, कि ठंडा पानी से पैर धो लिया या बाथरूम में बहुत अधिक देर तक नहा लिया तो उनका मासिक रुक जाता है, वहाँ पर भी दोस्तों सेनेसियो ओरस बहुत अच्छा लाभ करता है। सिमसी फुगा की तरह यह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और दोस्तों, मासिक पूर्व दर्द रहता है, डिसमिनोरिया का केस रहेगा और इसके साथ साथ पेशाब के भी लक्षण आपको रहेंगे। बार बार पेशाब जाना पड़ेगा और वहाँ पर पेशाब में जलन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के लक्षण में अगर मासिक दर्द है तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। डिसमिनोरिया के केसेस में भी यह लाभकारी है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलते हैं कि मासिक जो होंगे दोस्तों, रिटार्डेड एंड स्केंटी मेंस, बहुत ही कम मात्रा में मासिक होता है। मासिक मुख्य रूप से महिलाओं में 3 से 4 दिन तक का नॉर्मल फ्लो होता है। अगर ये 1 दिन हो तो, और बहुत कम मात्रा में मासिक स्राव हो तो यह भी गड़बड़ी है यह भी। तो दोस्तों, इसे भी आपको देखने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के लक्षण आपको, स्केंटी मेंसेस के लक्षण हैं, तो आप सेनेसियो ओरस लेकर लाभ ले सकते हैं। मासिक की जगह आपको लिकोरिया हो जाए, प्रदर हो जाए, तो वहाँ पर भी सेनेसियो ओरस बहुत ही खास है। इसलिए यह महिलाओं के, खास करके जो दुबली पतली महिलाएँ हैं जिनमें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स रहते हैं, जो नर्वस इरिटेबल हैं, उनमें यह दवा बहुत अच्छा लाभ करता है। दोस्तों, मेल के केसेस में बाई साइड, लेफ्ट स्पर्मेटिक कोड में, बाई साइड के स्पर्मेटिक कोड में दर्द रहता है और यह दर्द अंडकोश तक चला जाता है, वहाँ पर यह दवा बहुत अच्छा लाभ करता है। ऐसे रोगी में
प्रोस्टेट ग्रंथि की वृद्धि भी रह सकती है। वैसा रोगी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का भी शिकार हो सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि ऐसे रोगी को दोस्तों स्पर्मेटिक कोड में बराबर दर्द बने रहते हैं, इसमें ये लाभकारी औषधि है। अब है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स पर, ये बहुत ही खास दवा है। अत्यधिक म्यूकस वाला कफ होगा, खास करके दोस्तों दबे हुए मासिक जिनमें है, जिन महिलाओं में मासिक दबा हुआ है, मासिक नहीं आ रहे हैं, सप्रेस्ड मेंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पर यह बहुत अच्छा लाभ करता है। आपको लगेगा कि छाती भरा हुआ है, आपका लंग्स भरा हुआ है, ब्रोंकाई भरा हुआ है और आप खांसते हैं लेकिन कफ निकाल नहीं पाते हैं, ऐसी अवस्था में सेनेसियो ओरस बहुत अच्छा लाभ करता है। दोस्तों बैक पेन में कमर दर्द जो होगा वो रात में कमर दर्द आपका बढ़ जाता है, बहुत तीव्र दर्द होता है और यह दवा उस वक्त बहुत ही खास हो जाता है जहाँ पर बैकएक ड्यू टू कंजेस्टेड किडनीज, किडनी में जब कंजेशन हो जाएंगे, उसमें गड़बड़ी आएंगे और उसके चलते अगर आपको बैक पेन होता है तो सेनेसियो ओरस उसकी एक बहुत ही खास दवा है। सेनेसियो ओरस की यह एक गाइडिंग सिम्टम्स है दोस्तों। इस तरह से हम यह देखते हैं कि यह बहुत ही खास दवा है। आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में। डोज इसका जो होगा दोस्तों 10-10 बूंद आप इस दवा को सुबह शाम दो बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के आधा घंटा के बाद लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।